जो बुलबुले में मोमो आती है ना वो खा लें, वो जो नबील है वो इसके पापा हैं। मैं जाना चाहूंगी। आप जा रही हैं? मैं भी जाना चाहूंगी। जा रही हैं आप? मैंने नहीं किया, इसने बैठ गई थी उधर, लेटियां मार रही थी। पहली बार माना मॉल में घुसा कैसे है? वैसे आप क्या करने हैं यहाँ पे? इंजॉय करने। विंडो शॉपिंग क्या होती है? जिसमें पैसे नहीं लगाते, बस देख दुख के चल जाते हैं, उसको पुंडी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुंडी कहते हैं, जो आप डेली करने आते। कौन थे पहले सदर? ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे शायद। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। मिल जाए जो गम निभा लेंगे हम। मिल जाए जो गम। एक सेकंड, मुझे आहा कहना। मेरा एक करेक्टर है मुमताज बेगम का, प्यार से मुझे मोमो डार्लिंग कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त बहुत ही प्यारे प्यारे चेहरे मौजूद हैं, सूट यहाँ पर पहने हुए, ये देखें मेरी तरह का कोट पहना हुआ है, इन्होंने भी पहना हुआ है और दो कैजुअल में हैं। इनसे बात करते हैं, गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल बासित आसिफ। आपका नाम? नूरुल हुदा। आपका नाम? अहमद। आपका नाम? अरूज मलिक। नाम मुझे याद नहीं रहे। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, प्यारा हूँ। क्या करने आए हैं? कुछ नहीं, आप इन्जॉय वगैरह करने आए थे, खाना वगैरह खाने आए थे, ऊपर जंपिंग वगैरह करने आए थे। जंपिंग करने? हाँ जी, जहाँ पे वो बच्चे कूदते हैं। हाँ, की नहीं है बस, की नहीं जाने नहीं देखे थे, बच्चे सिर्फ अलाव हैं। अच्छा, सही है। कहा साथ के हमारे बच्चे हम लेके आए हैं, छोटी सी। आपको भी लेकर आए जी? आपको नहीं जाने दिया? नहीं, उन्होंने कहा आप बड़ी हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि आप बड़ी हैं? क्योंकि मैं बड़ी हूँ। ये बड़ी हैं? नहीं लगता तो नहीं है, देख के। ये बड़ी हैं? नहीं। फिर इनको क्यों नहीं जाने दिया गया? एहतजाज किया जाएगा इसके बाद। प्रोटेस्ट नहीं करना? नहीं। वैसे इनको प्रोटेस्ट करने के लिए भी कहें ना तो वो वहाँ पर जाकर कहेंगी मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आई हूँ, इन्होंने ना बहुत गलत किया है, बहुत या बुरा हो रहा है यहाँ पे, सोसाइटी में जो है इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने प्रोटेस्ट किया? हाँ, उधर मैंने नहीं किया, इसने बैठ गई थी उधर, लेटियाँ मार रही थी। आपने प्रोटेस्ट नहीं किया? नहीं यार, प्रोटेस्ट ही मैंने किया। क्या वजह है? बस वैसे ही यार। पहली बार माना मॉल में घुसा कैसे है? ये पूछा है? हाँ हाँ पूछा था उन्होंने। सही बताएं? हाँ, उन्होंने पूछा था, उन्होंने कहा था आप माना मॉल के अंदर कैसे आए हैं, फिर हमने अब्दुल बासित आसिफ को किए, सीईओ हैं गौतम के, तो इनके रेफरेंस से फिर हमें इन्होंने अंदर आने दिया, किसी को भी नहीं अंदर आने दे रहे थे। हाँ, इनके रेफरेंस से फिर हमें उन्होंने अंदर आने दिया गौतम के उस पर हवाले से। ठीक है, वैसे वो पूछते तो हैं। हाँ हाँ, पूछते हैं, ज़रूर पूछे। आपको कैसे अंदर आने दिया? आप लेप हैं मुझे। मैंने परमिशन ली है यार। मैंने भी परमिशन ली, मुझे भी नहीं आने दे रहे थे। मुझे कहते हैं आपने कहाँ जाना है, मैंने कहा यार मैं अंदर जाके ना इंटरव्यू करने। उन्होंने कहा किससे पूछा है? मैंने कहा पूछा तो नहीं है, वैसे आपकी मेहरबानी होगी अगर जाने दें तो। हाँ, हमारे साथ भी ऐसे हुआ है ये। आप क्या बोल रही हैं आपस में? हम बाउंसिंग की बातें कर रहे हैं। बाउंसिंग क्या होती है? ये वो जिस पे जंप करते हैं। अच्छा, वो जो जंप करते हैं ऊपर जाके। हाँ जी। वैसे आप क्या करने हैं यहाँ पे? इंजॉय करने। इंजॉय करने के लिए शॉपिंग मॉल में आया जाता है? हम विंडो शॉपिंग करने आए हैं बस। विंडो शॉपिंग क्या होती है? जिसमें पैसे नहीं लगाते, बस देख दुख के चल जाते हैं। अच्छा, मतलब देख के चले जाना। हाँ जी। मतलब जो मैं रोज़ाना करने आता हूँ वो विंडो शॉपिंग है? वाह, आज मुझे पता चला। पुंडी कहते हैं उसको। पुंडी कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? पुंडी कहते हैं, जो आप डेली करने आते। नहीं, वो नहीं करता यार, मैं इतना बुरा लड़का नहीं हूँ। गलत बात नहीं करते होते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था? पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट अब्दुल बासित है, पुराना नहीं। नहीं, प्रेसिडेंट तो नहीं पता, गवर्नर का पता। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कायदे आज़म अली जिना। मैं ये सोच रहा था कि इन्होंने कह देना है कि कायदे आज़म ही सदर थे पहले। नहीं नहीं, गवर्नर थे पहले। कौन थे पहले सदर? नो आइडिया, आई डोंट नो। वज़ीर आज़म थे। कौन थे? नहीं यार, आइडिया नहीं है इस चीज़ का। वज़ीर आज़म लियाकत अली खान थे। ये सही कह रही हैं। कौन थे पहले सदर पाकिस्तान? लियाकत अली खान। नहीं, वज़ीर आज़म थे। अच्छा, जवाब। अच्छा, मुझे ये चलें, वो सदर को हम रहने देते हैं, मुझे ये बताएं, हम थोड़ी सी जो है वो टिपिकल बातें करते हैं आपस में। मुझे ये बताएं कि आप कौन से इदारे में पढ़ते हैं? गौतम। आप किस में पढ़ती हैं? गौतम। आप भी गौतम में? आप भी गौतम से। गौतम में क्या सिखाया जाता है? गौतम में हॉस्पिटैलिटी एंड कल्नरी आर्ट्स। हॉस्पिटल? हॉस्पिटैलिटी एंड कल्नरी आर्ट्स, जो होटल मैनेजमेंट वगैरह उसमें, और फिर कुकिंग वगैरह सारा कुछ सिखाया जाता है। मतलब कि जो बावर्ची वाला काम होता है? नहीं, बावर्ची वाला काम जो होता है वो कल्नरी आर्ट्स का होता है। अच्छा। ठीक, कुकिंग जिसको कहते हैं। हमारा जो काम होता है मैनेजमेंट होता है सारा, जिसमें फ्रंट ऑफिस भी आ जाता है, F&B स्टाफ भी आ जाता है, उसके अलावा रिसेप्शन स्टाफ, सारा जो टोटल होता है, HR वगैरह। उसमें क्या क्या मैनेज करते हैं? सारा कुछ।
मतलब गेस्ट को, मतलब कि गेस्ट को खिलाना पिलाना, कपड़े शपड़े धो के देना, इस्त्री करके देना, ये वाला सारा काम? हाँ कुछ ऐसे ही, यही होता है ना। नहीं हम इतनी भी खिदमत नहीं करते हैं कि हम उनके कपड़े तक इस्त्री करें। नहीं हमारे पास डिपार्टमेंट्स होते हैं ना इसमें। अच्छा हाँ, तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो आपने भी इसको चुन लिया है, इस पेशे को आपने चुन लिया है, खिदमत खल्क का इतना बड़ा आपने बेड़ा उठा लिया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। इस आपका गार्डन कैमरे वाले नहीं देख रहे सर, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है। कौथम को ज्वाइन करके, हाँ कौथम को ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी संवर गई है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी फीलिंग कहाँ से लाए हैं आप जो आपके बयान तक नहीं हो पा रही, मतलब कि डीपली आप निकाल रहे हैं फीलिंग्स कौथम के लिए? सर एक्चुअली ये जो फीलिंग्स हैं ना, ये सिर्फ मेरे फिलहाल कैमरे के सामने ज़रा उभर उभर के ज़्यादा आ रही हैं। वैसे तो फीलिंग्स हैं, बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, लेकिन कैमरे के अंदर आपको पता ज़रा ज़्यादा उभर के फीलिंग्स सामने आ रही हैं। हाँ वैसे बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। आप बताएं आपकी कैसी फीलिंग्स हैं, आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? इस इंडस्ट्री में आके मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, वैसे ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, दो बाशिंदे हैं या कारिंदे हैं? अच्छा अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इतने गुड लुकिंग हैं, तो आपको कोई शेर व शायरी आती है, कोई सॉन्ग आता है? शेर व शायरी, हाँ शेर वगैरह आते हैं, काफ़ी आते हैं। कौन से शेर आप हमें सुनाने जा रहे हैं, कौन सा सुनना चाहेंगे आप? रोमांटिक हो जाए, रोमांटिक हो जाए, सुना दीजिए। हाँ सुना दिया जाए। मिल जाए जो गम निभा लेंगे हम, मिल जाए जो गम, एक सेकंड मुझे आहा कहना, आहा, मिल जाए जो गम निभा लेंगे हम, रूठ जाए जो ज़िंदगी मना लेंगे हम, रूठ जाए जो ज़िंदगी मना लेंगे हम, तुम रहना साथ हमारे सदा, तुम रहना साथ हमारे सदा, गिरते हुए आंसू में भी मुस्कुरा लेंगे हम। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है यार, कमाल की शायरी है। कहाँ से लाए हैं ये शायरी? अंदर से ऑटोमेटिक आती है, अंदर से आती है। आपको आती है शायरी? नहीं मुझे नहीं आती। गाना आता है? नहीं। रोना आता है? हाँ। रो के दिखाएं? सबके सामने नहीं, हंस के दिखाएं। आपको कुछ आता है? जी सब कुछ आता है। क्या क्या? तमाशे? तमाशे करना? नहीं तमाशे नहीं, वो हमें सॉन्ग सुनाएंगी। नहीं आप लोग डर जाएंगे। सॉन्ग से कौन डरता है? नहीं मुझे नहीं आता सॉन्ग। पोएट्री आती है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हंसना आता है? जी। रोना आता है? हाँ जी। रो के दिखाएं? सबके सामने। सबके सामने? नहीं थोड़ा सा रो। नो वैसे आंसू आ रहे हैं आपके? आंसू आ रहे हैं आपको? आंसू आ रहे हैं वैसे? नहीं रो पड़ेंगे? नहीं मेरा एक करेक्टर है मुमताज़ बेगम का, प्यार से मुझे मोमो डार्लिंग कहते हैं, तो बस ये मेरा छोटा सा तारुफ है। आप एक्टिंग भी करती हैं? नहीं। वो कैरेक्टर कैसे है आपका? बुलबुले वाली मोमो हूँ ना मैं। बाकी इसकी खाल है? इसकी खाल है, जो बुलबुले में मोमो आती है ना वो खाल है, वो जो नबील है वो इसके पापा हैं। नबील? नबील पापा? इतने बड़े घर से हैं आप? मैं यहाँ इधर उधर माइक नहीं लगा सकता, नहीं तो इनकी बातें भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं। इतने बड़े घर से हैं आप और इतनी छोटी सी शायरी नहीं सुना रही? नहीं मैं बेसिकली इतने बड़े घर से नहीं हूँ, वो जो मोमो है ना वो रिश्ते में मेरी खाला को नहीं लगती है ना कुछ लगती है, बस मैंने उनको अडॉप्ट किया हुआ क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है। कैमरा चल रहा है, मैं गोदी में लिया है। मैं जाना चाहूँगी। आप जा रही हैं? मैं भी जाना चाहूँ। जा रही हैं आप? मुझे काम है। कौन सा काम? बस है। बस में? नहीं मैंने कहा बस में जा रही हूँ। अच्छा शॉपिंग कर रही हैं आप? बिल्कुल, शॉपिंग का टाइम निकल रहा है मेरे, वापस जाने में अभी तो 10 बजे तक है। नहीं मैं जा रही हूँ। ईद की शॉपिंग कर ली आपने? नहीं। क्यों नहीं की? मैं करती नहीं। फिर कौन करता है? कोई भी नहीं। अम्मी अब्बू? कोई भी नहीं। ये क्या बात हुई, कोई भी आपकी शॉपिंग नहीं करता? तो ईद पे आप क्या पहनती हैं, क्या मेहंदी भी लगानी होती है लड़कियों ने, चूड़ियाँ भी पहननी होती हैं, वो गजरारे गजरारे भी पहनने होते हैं, कुछ भी नहीं करती हैं आप? नहीं मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है। लड़कों वाले शौक हैं? हाँ जी बिल्कुल। बचोए ठीक है, अब आपने जाना है तो आप जा सकती हैं। आपने भी जाना है? क्यों आप तो ना जाए ना, आप इधर हैं, आपके लिए तो हमने प्रोटेस्ट करने जाना है अभी उधर। थैंक यू सो मच, आपके प्रोटेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।